हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस लर्निंग। मैं राकेश सर। आज स्क्वायर चल रहे थे अपने, जो स्क्वायर किसी भी नंबर जो नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, उनके जो स्क्वायर होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब अपन ने पार्ट फर्स्ट वाले वीडियो में आपको बता दिए थे कि 1 से 50 तक के, 1 से 50 तक के स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, मतलब 1 to 25 तक के स्क्वायर तो आपको लर्न होने चाहिए, और 26 से 50 तक के जो स्क्वायर है वो फर्स्ट वीडियो में देख लिए थे। फर्स्ट वीडियो में आपको जाके देखना पड़ेगा, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एंड जो सेकेंड पार्ट था उसमें अपन ने किया था डिस्कस किसके बारे में, 75 तक करे थे, 51 से 75 तक के करे थे। अब अपन 76 से 100 तक के जो स्क्वायर नंबर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करते हैं कि जो जैसे 99 नंबर है, एग्जांपल ये 100 से कम है, मतलब ये आज 76 से 100 तक के बीच के जो स्क्वायर, उनके जो नंबर है उनके स्क्वायर के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें आपको देखना है, सबसे पहले तो क्या करना है कि 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, फिर उसका डबल करना है, जितना कम है उसका डबल करना है, फिर उसको चेक करना है कि 100 से कितना कम है। फिर उसके बाद में आपको सेकेंड टाइम से उसका जो जितना कम है ना उतने का स्क्वायर करना है। जैसे 99 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 99 1। अब फिर इसका क्या करना है, डबल, कितना हो गया 2। अब ये 2 को 100 में से माइनस करना है तो कितना हो जाएगा, 98। कितना हो जाएगा, 98। तो 98 को आपको यहाँ पे लिखना है। अब कितना कम था उसका स्क्वायर करना है, जितना कम था ना उसका स्क्वायर कितना होगा, 01 का स्क्वायर, 01। तो आंसर आ जाएगा 01। मतलब आपको पूछे कि 99 का स्क्वायर कितना है तो 9801 है। ऐसे ही जैसे मान लो आपको 98 का स्क्वायर पता करना है तो 98 का स्क्वायर कितना होगा, 100 में से 98 माइनस करेंगे 02 है। अब इसका डबल करना है, डबल कितना हुआ, 04। मतलब 100 से जितना, 100 से जितना कम है उतना ही और कम करना है। जैसे 100 से 98 कम है तो 100 से 98 कितना कम है, 2। तो 2 और कम करना, 4 कम करना है तो 96 हो जाएगा। अब 2 कम था, 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4। तो आंसर आ जाएगा 9604। ऐसे ही 97 कितना कम है 100 से, 3 कम है तो 3 का डबल कितना होता है, 6। तो 6 और कम करना है, क्या करना, 6 और कम करना। तो 100 से 6 कम करे तो कितना हुआ, 94। अब कितना कम था, 3। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो डबल डिजिट में लिखना है हमेशा, क्योंकि बेस कितना है, 100 है, और 100 में कितने जीरो है, डबल जीरो। तो डबल डिजिट में लिखना आपको। जैसे 96 कितना कम है 100 से, 4। अब 4 कम है तो 4 और कम करने, तो 4 और कम करने तो कितना हो जाएंगे, मतलब पहले 4 कम है और 4 और कम करने, मतलब टोटल 8 कम करने 100 में से। तो 100 में से 8 माइनस करे तो कितना आया, 92। अब कितना कम था 100 से 96, 4। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। कितना होता है, 16। ऐसे ही 9400 से कितना कम है, 9400 से है 6। अब 6 और कम करने हैं तो 6 और कम करने हैं तो 6 और 6 कितने हुए, 12। तो 9400 से कितना कम है, 6 और कम करने मतलब 88 हो जाएंगे टोटल, डबल कम करने होते हैं। तो अब 6 कम है तो 6 का स्क्वायर कितना, 36। इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, 10 कम है तो 100 से 10 और कम करने, मतलब 100 से 10 कम है, 10 है तो इसका डबल कितना हुआ, 20। तो 20 को 100 में से माइनस करना तो कितना आ जाएगा, 80। तो आंसर आ जाएगा 80 यहाँ पे। अब 80 कितना कम था, 10। तो 10 का स्क्वायर कितना हुआ, 100। तो इसको ऐसे कैरी, थर्ड नंबर का कैरी देना, 001 और 88। तो आंसर आ गया 8100। ऐसे 88 कितना कम है, 12। 100 में से 88 कितना कम है, 12 का डबल कितना हुआ, 24। अब 24 कम करने 100 में से तो कितना हुआ, 76। तो यहाँ पे लिखना आपको 76। अब कितना कम था, 12। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। आपको 100
44 आ गया, इसके बाद में 1 को तो कैरी देना 6 में, 1 और 6 कितना हुआ 7, और 7 ये आ गए इसके 88 का स्क्वायर। इसी तरीके से एग्जांपल आपके लिए HW है, ठीक है। ऐसे ही आप कुछ एग्जांपल जो भी 100 से 75 के बीच में उनका स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।